Today, in the subject of the manufacturing process, we are continuing for the casting process. In the last class, we have discussed about the cast molding process, how the molding is to be prepared, and what is the casting. Today, we will discuss about the solidification of the casting. In every casting process, molten metal is poured into the basin, pouring basin, and the final part is it gets solidified. Hence, the process of the solidification is important in the casting process. How the solidification happens in the casting process? This is important phenomenon. कैसे आपको solidification होता है? ये आपको बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको एक कर्व आपको दिखाया जा रहा है. ये आपको ये सॉलिडिफिकेशन कर्व है. आपको ये आपको पावरिंग टेम्परेचर है जो आपको पावरिंग बेसिन में रहता है. फिर उसके बाद आपको लिक्विड कूलिंग होने लगता है और उसके बाद फ्रीजिंग बिगेंस ऑन द लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम. ये आपको टेम्परेचर का वाई एक्सिस में ग्राफ है, एक्स एक्सिस में टाइम का ग्राफ है. यहाँ पर फ्रीजिंग बिगेंस होता है और ये लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है और यहाँ पर आपको फ्रीजिंग आपको कंप्लीट हो जाता है और ये आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर है और उसके बाद जो आपको मोल्ड आपको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद उसको कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद सॉलिड का आपको कूलिंग होता है. ये आपको यहां से यहां तक टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है. ये आपको लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है और ये आपको टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है. उसके बारे में आपको यहां पर कर्व बनाया गया है. कैसे पावरिंग टेम्परेचर से लिक्विड आपका कूलिंग होता है और यहाँ पर आपको फ्रीजिंग बिगेन होता है, फिर आपको फ्रीजिंग कंप्लीट होता है. ये आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर है और ये आपको उसके बाद ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉलिड कूलिंग. ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को आपको दिखाता है. ये आपको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को आपको ये कर्व आपको दिखाता है. ये आपको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को आपको दिखाता है. तो इसी सॉलिडिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना? क्योंकि कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन होगा ही होगा. सॉलिडिफिकेशन मींस चेंज ऑफ द मोल्टन मेटल टू द सॉलिड स्टेट. मोल्टन मेटल आपका सॉलिड स्टेट में आपको कन्वर्ट हो जाएगा. ये आपको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है. सॉलिडिफिकेशन प्योर मेटल का आपको अलग होता है और एलॉय का अलग होता है. ये मटेरियल साइंस में आपको स्टडी करने का है. एलॉय का सॉलिडिफिकेशन, प्योर मेटल का सॉलिडिफिकेशन, ये मटेरियल साइंस में आपको स्टडी का है कि कैसे कैसे आपको मेटल आपको सॉलिडिफाई करता है ना. द कूलिंग कर्व ऑफ द प्योर मेटल आपको यहां पर मैंने फिगर में आपको दिखाया है ना. और लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम यहां पर मैंने आपको यहां पर आपको दिखाया टाइम बिटवीन द फ्रीजिंग स्टार्ट एंड द फ्रीजिंग कंप्लीट्स. ये आपको लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है. इन दिस टाइम मोल्टन मेटल ऑफ द हीट ऑफ द फ्यूजन इज डिलीवर इनटू द मोल्ड. जो आपको फ्यूजन का जो हीट है ना वो आपको मोल्ड में आपको ट्रांसफर हो जाएगा. आपको हीट ट्रांसफर आपको मोल्ड में हो जाएगा. ये आपको लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है. दूसरा टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम, टाइम बिटवीन द पावरिंग एंड द फाइनल सॉलिडिफिकेशन. ये आपको टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम मैंने आपको दिखाया. यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है ये आपको टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है ना. ये आपको फर्स्ट लिक्विड कूलिंग अकर्स टिल द फ्रीजिंग स्टार्ट्स,
फ्रीजिंग स्टार्ट के पहले आपको कूलिंग शुरू होता है, आपको सॉलिडिफिकेशन का आपको यहां पर आपको फिगर में, आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन इज ओवर सॉलिड कूलिंग अकर्स एट ए पार्टिकुलर रेट। सॉलिडिफिकेशन खत्म हो जाने के बाद भी जो आपको सॉलिड है वो आपको गर्म रहता है, सॉलिडिफाई होने के बाद भी गर्म रहता है, उसके बाद भी आपको कूलिंग होता है, जो कि आपको यहाँ पर आपको सॉलिड कूलिंग आपको यहाँ पे आपको दिखाया गया। तो ये आपको सॉलिडिफिकेशन का आपको प्रोसेस जो है वो आपको बताया गया। ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन जो आपको ग्रेन स्ट्रक्चर है आपको देखिए कैसे उसका ग्रेन स्ट्रक्चर आपको चेंज करता है सॉलिडिफिकेशन में, आपको यहां पर फिगर में आपको दिखाया गया है ना, ये आपको फिगर में आपको यहां पर आपको ग्रेन स्ट्रक्चर इन द कास्टिंग ऑफ द प्योर मेटल ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया। ये आपको मोल्ड का वॉल है और ये कॉलमनर ग्रेन्स परपेंडिकुलर टू द मोल्ड है, ये आपको मोल्ड का आपको ग्रेन्स और फाइन रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स है, ये आपको साइड में बनता है और ये कॉलमनर ग्रेन्स ये आपको बीच में बनता है। ग्रेन स्ट्रक्चर कैसे कास्टिंग में आपको डेवलप होता है बहुत ही अच्छा फिगर आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। फाइन ओरिएंटेड ग्रेन्स आपको मोल्ड वॉल के साथ में रहता है और कॉलमनर ग्रेन्स आपको साइड में रहता है। तो इसके बारे में ग्रेन स्ट्रक्चर जो है प्योर मेटल डिपेंड्स ऑन द हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर पे आपको डिपेंड करता है। और मोल्ड वॉल जो है ना, जो मोल्ड वॉल आपको चिलर की काम करता है और यहीं पे सॉलिडिफिकेशन आपको स्टार्ट होता है, फर्स्ट मेटल स्टार्ट टू सॉलिडिफाई नियर द मोल्ड वॉल। ये जो मोल्ड वॉल है ना, मोल्ड वॉल के पास ही आपको जो है सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। ए थिन स्किन इज फर्स्ट फॉर्म नियर द मोल्ड वॉल, ये थिन स्किन यहां पर मोल्ड वॉल के पास पहले बनता है, है ना। ये प्रोसेस आपको आपको बता रहा है, द इनिशियल फॉर्म नियर द मोल्ड वॉल हैज ग्रोन टू द फास्ट मोल ऑफ द हीट एंड हेंस इक्विएक्सटेंट एंड रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स, ये आपको रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स है, ये आपको उसके ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहां पर आपको बताता है। When the solidification continues, जब solidification आपको continue करता है, heat is removed through the mold wall. ये mold wall से आपको heat जो है बाहर आपको dissipate करता है. And जो grains है वो आपको needle की तरह आपको shape ले लेता है और branch needle enlarge के रूप में आपको shape ले लेता है. इसको dendritic growth बोलते हैं, जो यहां पर आपको डेंड्राइटिक ग्रोथ है वो आपको नीडल का शेप का आपको हो जाता है ना। ये आपको सॉलिडिफिकेशन में किस तरह ग्रेन ग्रोथ होता है उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ द एलॉय, एलॉय का आपको सॉलिडिफिकेशन जो आपको मटेरियल साइंस में है वो भी यहां पर हम आपको डील कर दे रहे हैं। ये आपको फेज डायग्राम निकेल कलुमनिय निकेल और कॉपर एलॉय का है। देखिए निकेल का मेल्टिंग पॉइंट 14.15 डिग्री सेंटीग्रेड है और कॉपर का 108 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो आपको सॉलिडिफिकेशन होगा ये आपको लिक्विड जोन है और यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड मिलेगा और ये आपको सॉलिडस जोन मिलेगा, ये आपको सॉलिड जोन आपको मिलेगा है ना। और कूलिंग कर्व फॉर द 50% निकल एंड 50% कॉपर ड्यूरिंग द कास्टिंग आपको यहां पर आपको दिखाया गया। देखिए आपको बिल्कुल आपको यहां पर कूलिंग कर्व आपको एलॉय का आपको यहां पर आपको दिखाया गया, ये आपको टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है। फ्रीजिंग यहां पर बिगेन होता है और फ्रीजिंग यहां पर आपको कंप्लीट होता है, ये आपको लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है ना। ये आपको पावरिंग टेम्परेचर है, ये पावरिंग टेम्परेचर है, पावरिंग टेम्परेचर से आपको यहां पर आपको फ्रीजिंग स्टार्ट होता है, यहां पर आपको फ्रीजिंग कंप्लीट होता है और ये आपको सॉलिड कूलिंग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। अब आपको समझ में आ गया होगा
क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। जो कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है वो आपको आपको समझ में आ गया है ना। ये आपको कास्टिंग का, ये आपको लिक्विडस लाइन सॉलिडस लाइन आपको यहां पर आपको बताया गया है। ये आपको कास्टिंग का आपको सॉलिडिफिकेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है ना। ये उसी को आपको डिस्क्राइब कर रहा है। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल आपको इनगोट सेग्रेशन होता है, उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना। सॉलिडिफिकेशन में आपको श्रिंकेज होता है। एवरी मेटल गोट श्रिंक एफ्टर गेट द सॉलिडिफिकेशन। तो ये सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का आपको तीन स्टेजेज में आपको होता है, वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। कंट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड बिफोर द सॉलिडिफिकेशन ड्यूरिंग द कॉलिंग है ना। स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में आपको मोल्टन मेटल ही रहेगा। स्टार्टिंग लेवल इमीडिएटली आफ्टर द पावरिंग, और ये आपको मोल्टन मेटल ही रहेगा। उसमें द लेवल ऑफ द पॉर्ड मोल्टन मेटल इज साउंड इन द मोल्ड कंटेनर। आपको मोल्ड कंटेनर में आपको दिखाया गया है ना। ये आपको स्टेज फर्स्ट हो गया। स्टेज टू में सॉलिडिफिकेशन स्टार्टेड एट द मोल्ड वॉल। ये जो मोल्ड वॉल है, मोल्ड वॉल में आपको सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया है ना। द लेवल ऑफ द लिक्विड मेटल हैज रिड्यूस्ड एट द ओपन सरफेस ड्यू टू द लिक्विड कंट्रैक्शन। द लेवल ऑफ द जो लिक्विड है वो आपको कंट्रैक्ट करेगा। आपको यहां पर देखिए रिडक्शन इन द लेवल ड्यू टू द कंट्रैक्शन आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है। जो कंट्रैक्शन हुआ है वो आपको 0.5% हुआ है, वो आपको यहां पर आपको फिगर में आपको दिखाया गया है ना। ये आपको फिगर में आपको कंट्रैक्शन आपको दिखाया गया है। एंड तीसरा, टू इफेक्ट्स आर इन दिस स्टेज। यहां पर आपको लिक्विड मेटल भी कंट्रैक्ट करेगा, सॉलिड मेटल भी आपको जो बनेगा वो भी आपको कंट्रैक्ट करेगा। ये आपको जो कंट्रैक्शन है वो आपको यहां पर आपको दिखाया है। ये आपको देखिए यहां पे आपको लेवल इसका डाउन हो गया है ना। ये आपको कंट्रैक्शन इन द सॉलिडिफिकेशन उसके बारे में आपको आपको ये बता रहा है। कंट्रैक्शन काउजेज फॉर द रिडक्शन इन द हाइट ऑफ द कास्टिंग। ये आपको हाइट ऑफ द कास्टिंग को आपको रिड्यूस कर देगा है ना। और ये आपको श्रिंकेज कैविटी कहलाता है। Absence in this region creates in the casting, ये आपको श्रिंकेज कैविटी, ये आपको श्रिंकेज कैविटी आपको ये कहलाता है। ये आपको कंट्रैक्शन से आपको ये आपको देखिए आपको श्रिंकेज कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। बोथ हाइट एंड डायमीटर कंट्रैक्ट्स रिजल्ट इन द श्रिंकेज कैविटी एट द टॉप सेंटर। दिस विल बी सीन एज इन द पाइप इन द कास्टिंग अप देयर है ना। यहां पर श्रिंकेज कैविटी आप फिगर में देखिए, आपको यहां पर आपको ध्यान से देखिए, आपको श्रिंकेज कैविटी आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको सॉलिड थर्मल कंट्रैक्शन है, ये आपको सॉलिड मेटल है, ये आपको श्रिंकेज कैविटी। फाइनल जो सॉलिडिफिकेशन के बाद जो बनेगा वो आपको इसी तरह का जो सॉलिडिफाई मेटल होगा, आपको इसी तरह का जो सॉलिड फॉर्म आपको आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन आपको इसी तरह का मेटल आपको यहां पर आपको बनेगा है ना। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज जो है ये सभी मेटल में आपको होता है ना। ये आपको सभी मेटल में आपको होता है। तो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया। दूसरा है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन क्या है, देखिए इसमें क्या करते हैं ना, कहां से सॉलिडिफिकेशन शुरू होगा उसके लिए हम लोग जो है मेथड एक राइजर प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरा चिल्स डाल देते हैं है ना।
राइजर पर जहां पर डाल देंगे ना तो वो सॉलिडिफिकेशन वहीं से स्टार्ट होगा, और जहां पे चिल्स डाल देंगे ना वो आपको सॉलिडिफिकेशन वहीं पे स्टार्ट होगा। ये देखिए ये ना एक्सटर्नल चील है, एक्सटर्नल चील क्या करते हैं ना, ये मेटल का बना होता है, ये मेटल का बना होता है और ये आपको मोल्ड में डाल देते हैं। मोल्ड में डाल देने से क्या होता है ना कि मोल्ड में डाल देने से क्या होगा ना कि आपको सॉलिडिफिकेशन जो है इसी चील से आपको स्टार्ट होगा। इसको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का मतलब है आप चाहे तो मोल्ड में कहीं से भी आप सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, है ना। ये आपको दो मेथड से किया जाता है, एक तो राइजर से, आप राइजर जो मोल्ड में राइजर है ना आप वहीं पे डाल दीजिए तो फ्रीज फर्स्ट जो मेटल सप्लाई टू द आपको मोल्ड कैविटी है ना, फ्रीजर फर्स्ट एट द राइजर, द लिक्विड मेटल सप्लाई फर्स्ट फ्रीज एट द राइजर एंड द सॉलिडिफिकेशन टू प्रोग्रेस फ्रॉम दिस जोन, यहीं से स्टार्ट होगा। जहां पर आप राइजर डालेंगे ना वहीं से आपको आपको सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। इसीलिए राइजर लोकेशन आपको जहां पर आप फ्रीजिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पर आपको डालिए, वहीं से आपको सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। दूसरा चिल्स प्रोवाइड, चिल्स अगर डाल देंगे, दो तरह का चिल्स होता है, इंटरनल चिल्स और एक्सटर्नल चिल्स। चिल्स अगर डाल देंगे जहां पर मोल्ड में आपको चिल्स डाल देंगे वहीं से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। चिल्स क्या है ना, स्मॉल मेटल पार्ट, स्मॉल मेटल पार्ट्स प्लेस्ड इनसाइड द मोल्ड कैविटी, स्मॉल मेटल पार्ट्स है जो कैविटी के अंदर आपको रखा जाता है, ये आपको इंटरनल चील्स है। इंटरनल चील्स का मतलब मोल्ड के अंदर डालते हैं उसको इंटरनल चील्स बोलते हैं, और एक्सटर्नल चील को मोल्ड वाल के बाहर रखते हैं इसको एक्सटर्नल चील बोलते हैं। मोल्ड वाल के बाहर आप रख दीजिए कोई कोई मेटल रख दीजिए तो टू प्रमोट द लोकलाइज सॉलिफिकेशन यहीं से आपको स्टार्ट होगा, इसको एक्सटर्नल चील बोलते हैं। ये आपको चील का आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आप चील डाल देंगे तो आपको सॉलिडिफिकेशन आपको यहीं से स्टार्ट होगा। देखिए ये एक्सटर्नल चील डाला हुआ है ना तो इसका ये फायदा है कि सॉलिड आपको आपको बढ़िया बना है। इसमें एक्सटर्नल चील नहीं डाला तो यहाँ पर आपको कैविटी बन गया है, जो चील डालने से आपको जो है एडवांटेज होता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के बारे में था। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैसे जो है करते हैं कास्टिंग में, कहां से आप सॉलिड बनना शुरू कर सकते हैं, फ्रीज करना शुरू कर सकते हैं, उसको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं मोल्ड में। तो ये दो तरह से होता है, एक राइजर प्रोवाइड करके होता है, दूसरा चिल्स प्रोवाइड करके होता है, है ना। राइजर प्रोवाइड करके होता है और चिप्स प्रोवाइड करके होता है। राइजर जो है आपको जहां पर राइजर देंगे तो वहीं से आपको जो है सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन है। और चिल्स जहां पर आप जो है डालेंगे, दो तरह का इंटरनल चिल और एक्सटर्नल चिल्स है, तो आप उसको जो है वहां से आपको सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, ये आपको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन था, है ना। ये आपको सॉलिडिफिकेशन डायग्राम दिखा रहा है आपको फॉर द ऑर्डिनरी सैंड मोल्ड। ये आपको है ना डिस्टेंस फ्रॉम द मोल्ड फेस, ये आपको सॉलिड बन गया, ये आपको एंड ऑफ द फ्रीजिंग है, यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड है, ये आपको सॉलिडिफिकेशन दिखा रहा है ना। सॉलिडिफिकेशन दिखा रहा है कि ये टाइम के साथ में कैसे जो है आपको सॉलिड बनता है, ये सॉलिडिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे दिखा रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द मोल्ड आपको एक साइड में लिया गया है, टाइम दूसरे साइड में लिया गया है। ये देखिए आपको लिक्विड है यहाँ पे, यहाँ पर आपको जो है टाइम के बढ़ते के साथ में आपको सॉलिड बढ़ता जाता है, यहाँ पर आपको एंड ऑफ द फ्रीजिंग हो जाता है ना। यहाँ पर आपको आपको एंड ऑफ द आपको फ्रीजिंग हो जाता है ना। CFR आपको सेंटर लाइन फिटिंग डिस्टेंस आपको बताया, टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट एंड द फ्रीजिंग एट द सेंटर लाइन AC,
ये आपको यहाँ पर आपको एसी का बता रहा है, और टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग ये आपको इसको बता रहा है। सीएफआर 70% से आपको ज्यादा होगा देन फीडिंग इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट, है ना। तो ये आपको सीएफआर के बारे में आपको यहाँ पे आपको बता रहा है। दूसरा रेट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन, रेट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन, इन ऑर्डर टू प्लेस द राइजर प्रॉपरली एंड इट डज नॉट सॉलिडिफाई बिफोर द कास्टिंग, वी शुड नो अबाउट द टाइम टेकन बाय द कास्टिंग टू सॉलिडिफाई। टाइम टेकन कितना लगेगा ये जानना जरूरी है। एंड द डिस्टेंस टू विच द सॉलिडिफिकेशन इज कंप्लीटेड बिफोर द मोल्ड सर्फेस। हम लोग जो मास प्रोडक्शन कास्टिंग में करेंगे, कास्ट प्रोडक्ट का पढ़ेंगे, तो उसमें इस पे कई प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। रेट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन आप कास्टिंग में आप कर सकते हैं, ये आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है। और आपको क्या क्या आपको लेयर्स बनता है, ये पांच लेयर्स में आपको यहां पर आपको टाइम टेकन आपको दिखाया हुआ है ना। ये आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है ना। थीटा का आपको दिखाया, ये एयर है, ये मोल्ड है, ये सॉलिडिफाइड मेटल है, ये लिक्विड मेटल है ना। ये टेम्परेचर आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर मोल्ड है, ये आपको सॉलिडिफाइड मेटल है, ये मोल्ड मेटल इंटरफेस है। जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ का आपको दिखा रहा है। ये आपको एयर है, ये आपको मोल्ड वाल है, और ये आपको सॉलिडिफाइड मेटल है, ये मोल्ड मेटल इंटरफेस है। ये आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको सॉलिडिफिकेशन में किस तरह का होता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये पांच लेयर्स में आपको डिवाइड होता है। ये आपको एयर का टेम्परेचर है, ये आपको मोल्ड का टेम्परेचर है, ये आपको सॉलिड मोल्ड के वॉल का टेम्परेचर है, ये सॉलिडिफाइड मेटल का टेम्परेचर है, और ये मोल्ड मेटल इंटरफेस का आपको टेम्परेचर है। वो आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको यहाँ पर आपको बताया जाए। तो ये आपको यहाँ पे चर्नोलिप्स रूल यहाँ पर आपको बताया गया है, और ये आपको सॉलिडिफिकेशन के बारे में आपको है। पहले मैं ये चर्नोलिप्स रूल को बताने के पहले, है ना, मैं आपका अटेंडेंस आपको मैं ले लेता हूँ। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, आस्तो सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, एंड तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। मैं अटेंडेंस फिर से आपको बता देता हूं, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, आस्तो सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, एंड अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। तो सॉलिडिफिकेशन किस तरह होता है वो हमने डिटेल से अभी स्टडी कर लिया, उसको फिर से हम अभी रिपीट करेंगे कि सॉलिडिफिकेशन जो कास्टिंग में है वो आपको किस तरह होता है। ये मेन जो थ्योरी था वो आपको आपको मैंने आपको यहां पर आपको
हो गया है। दूसरा जो यहां पर जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो आपको रिलेशनशिप निकाला गया है, रेट ऑफ द हीट फ्लो का निकाला गया है। हीट फ्लो किस तरह का होता है पहले आप इसको समझिए, फिर मैं आपको एक एक बताता हूं। टोटल हीट क्वांटिटी फ्लो अक्रॉस किस तरह होता है सर्टेन टाइम में, उसका फॉर्मूला आपको दिया गया है। और लेटेंट हीट ऑफ द टोटल मेटल का लेटेंट हीट कितना होगा उसके बारे में ये फॉर्मूला दिया गया है। और ये सॉलिडिफिकेशन टाइम, टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम, ये आपको चोवेनिडोव रूल्स यहां पर आपको बताया गया है। ये आपको चोवेनिडोव रूल्स है जो टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम कितना होगा ये हम यहाँ पे इस रूल से हम जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वी इज द वॉल्यूम, ए इज द एरिया एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट। ये आपको कॉन्स्टेंट का वैल्यू आपको यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ है। थीटा है फाइनल टेम्परेचर है, ये आपको इनिशियल टेम्परेचर है ना। ये आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम कितना लगेगा ये आपको चोर्नोलिव रूल से, चोर्नोलिव एक रशियन साइंटिस्ट है, रसिया कास्टिंग में बहुत आगे प्रोसेस उसका, काफी उसके कास्टिंग के बुक आती है रसिया की, तो चोर्नोलिव वहीं का था और उसने ये आपको रिलेशन दिया हुआ है कास्टिंग का। और ये आपको रिलेशन है सॉलिडिफिकेशन टाइम आपको निकालने का, है ना। ये आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम आपको निकालने का ये आपको यहां पर है। अब इस रूल को कैसे निकाला हुआ है ये यहां पर आपको समझिए। ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन लार्ज कास्टिंग, ये आपको सॉलिडिफिकेशन है, ये मोल्ड सरफेस वॉल, मोल्ड आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हेंस ये आपको मोल्ड का थीटा जीरो टेम्परेचर है। ये देखिए यहां पर आपको मोल्ड फेस एट द थीटा एफ, ये आपको थीटा जीरो है ना, मोल्ड फेस आपको ये भी आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। जो मोल्ड का टेम्परेचर है अंदर में थीटा जीरो है ना। और ये मानिए कि आपको ये एक्स डायरेक्शन इंफिनिटी तक आपको जाता है ना। एंड द लिक्विड मेटल थीटा टेम्परेचर पोर इनटू द मोल्ड, मोल्ड में आपको आपको पोर किया गया है। और फाइनल मोल्ड फेस टेम्परेचर थीटा एफ एट टी जीरो आपको यहां पर आपको दिया गया। और जो आपको हीट फ्लो होगा थ्रू द मोल्ड फेस एट एनी इंस्टेंट टाइम, ये आपको थर्मल का जो फॉर्मूला था आपको आप याद कीजिए, वही फॉर्मूला आपको यहां पर आपको लगाया गया है ना। ये आपको क्यू इक्वल टू के ए थीटा एफ माइनस थीटा जीरो रूट अंडर पाई अल्फा टी, के आपको कंडक्टिविटी है एंड रो आपको डेंसिटी है, सी आपका स्पेसिफिक हीट है, अल्फा के रू सी है ना। ये आप रिमेम्बर कीजिए, ये आपको फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आपको यहां पर आपको लगाया गया है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स में आप ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला आपको यहां पर आपको लगाया गया है ना। ये कैसे जो है आपको फिर उसका इसी को इंटीग्रेट कर दिया और क्यू टी जीरो आपको निकाल लिया है ना। ये फॉर्मूला आपको इसी से आपको निकल गया। दूसरा लेटेंट हीट का फॉर्मूला आपको यहां से आपको मिल गया, ये आपको लेटेंट हीट का आपको फॉर्मूला है ना। मोल्ड रिएक्ट्स क्वालिफाइड, ये फॉर्मूला आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सॉलिडिफिकेशन रेट का जो चोर्नोलिप्स का फॉर्मूला है आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। ये आपको चोर्नोलिप्स का फॉर्मूला है और दूसरा ये आपको न्यूमेरिकल यहां पर आपको दिया हुआ। तो सॉलिडिफिकेशन को फिर से हम लोग एक बार समझ लें। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को फिर से हम लोग यहां पर आप समझ लें कि कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन किस तरह होता है, वो यहां पर जो है आप दोबारा इसको समझिए। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है, ये सॉलिडिफिकेशन का आपको ग्राफ है।
ये आपको पावरिंग टेम्परेचर है जो पावरिंग बेसिन में है, जो मोल्टन मेटल का पावरिंग टेम्परेचर है जो पावरिंग बेसिन में है वो आपको पावरिंग टेम्परेचर है। जैसे ही पावरिंग बेसिन में मोल्टन मेटल डालते हैं, लिक्विड का कूलिंग होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है ना। पावरिंग बेसिन में डालने के बाद उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, लिक्विड का कूलिंग होना शुरू हो जाता है। और यहां पर जो है मोल्ड में कुछ देर के बाद फ्रीजिंग शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग बिगेंस लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम मोल्ड के अंदर आपको शुरू हो जाता है। फ्रीजिंग मोल्ड वॉल के पास से शुरू होगा। अगर आपने डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन किया है तो राइजर के पास से शुरू होगा, चिल्स दिया है तो चिल्स के पास में शुरू होगा। कोई डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का मतलब था कहां से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ्रीजिंग बिगेंस, उसके बाद कुछ देर के बाद आपको फ्रीजिंग आपको कंप्लीट हो जाता है। ये आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वहां पे आपको फ्रीजिंग कंप्लीट हो जाता है। और यहां से यहां तक का जो टाइम है आपको टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम ये आपको बताता है। यही आपको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है। आप यहां पर समझ गए तो सारा आपको प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही आपको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है। फ्रीजिंग में जितने भी लिक्विड मेटल है वो आपको सॉलिड में आपको कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आपको सॉलिड कूलिंग आपको स्टार्ट हो जाता है और यहां पर आपको टेम्परेचर बाद में रूम टेम्परेचर के पास आ जाता है। ये आपको सॉलिडिफिकेशन है ना। इस ग्राफ को आप समझ जाइए, यही आपको सॉलिडिफिकेशन का ग्राफ है। ये आपको सॉलिडिफिकेशन का ग्राफ है, ये आपको यहां पर आपको बताया गया। चेंज ऑफ मोल्टन मेटल टू द सॉलिड स्टेट, इसी को सॉलिडिफिकेशन करते हैं। मोल्टन मेटल आपको सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ द प्योर मेटल एंड एलॉय आर डिफरेंट। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये प्योर मेटल का आपको दिखाया जा रहा है। एलॉय का मैंने भी वो आपको फिगर आपको यहाँ पे आपको दिखाया था, वो मोर कंसर्न अबाउट द मटेरियल साइंस है ना। ये आपको जो दिखाया जा रहा है कूलिंग कर्व ऑफ द प्योर मेटल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये कूलिंग कर्व आपको प्योर मेटल का आपको बिल्कुल इसी तरह होगा, ये आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन जो है आपको कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है और ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट आपको कहलाता है। प्योर मेटल में आपको जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। जो एलॉय है, एलॉय में आपको फ्रीजिंग जो है आपको, ये आपको एलॉय का मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए आपको जो फ्रीजिंग है आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं होता है। एलॉय में आपको कांस्टेंट टेम्परेचर में आपको नहीं होता है। जो प्योर मेटल है आपको फ्रीजिंग जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। इसमें एलॉय में आपको ये आपको उसमें आपको फ्रीजिंग जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं होता है ना। तो सॉलिडिफिकेशन में आपको लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है, टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है। लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम जहां से फ्रीजिंग बिगन्स होता है और फ्रीजिंग कंप्लीट होता है उसको लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम बोलते हैं। टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम जहां से आपने कूलिंग स्टार्ट हुआ और जहां पे आपको फ्रीजिंग कंप्लीट हुआ उसको टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम बोलते हैं। ये आपको दोनों के बीच का टाइम आपको ये आपको बताया गया। इसमें जो मेटल है ना, जो हीट है ना, वो आपको मोल्ड वॉल को डिलीवर हो ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। जो भी हीट डिसिपेट होगा मोल्ड वॉल के थ्रू बाहर जाएगा है ना। सॉलिडिफिकेशन खत्म होने के बाद भी
सॉलिड कूलिंग आपको होता रहता है, सॉलिड कूलिंग आपको होता रहता है, ये आपको सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग का आपको बताया गया। दूसरा, ग्रेन स्ट्रक्चर कास्टिंग में किस तरह का बनता है आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन, ये आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। ये आपको थर्मल प्रॉपर्टी और मोल्ड वॉल पे डिपेंड करता है। जो मोल्ड वॉल है आपको यहां पे दिखाया जा रहा है, मोल्ड वॉल आपको चिलर की तरह काम करता है और यहीं से आपको सॉलिडिफिकेशन आपको स्टार्ट होता है और ग्रेन ग्रोथ आपको मोल्ड वॉल से बनना आपको शुरू होता है। सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द मोल्टन मेटल नियर द मोल्ड वॉल, ये मोल्ड वॉल के पास से ही आपको सॉलिडिफिकेशन आपको शुरू होता है, मोल्ड वॉल के पास से आपको सॉलिडिफिकेशन पहले शुरू होता है। पहला आपको थिन स्किन ऑफ द लेयर आपको मोल्ड वॉल के पास में बनता है ना, और यहां पर आपको थिन स्किन ऑफ द लेयर बनता है और ये आपको फाइनल फाइन रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स होता है, ये आपको मोल्ड वॉल के पास आपको बनता है। उसके बाद नीडल लाइक स्ट्रक्चर का कॉलमनर ग्रेथ होता है, इसको ग्रेन ग्रोथ आपको नीडल टाइप का होता है, नीडल इनलार्ज होता है जो कि आपको कॉलमनर ग्रेन्स इसको बोलते हैं, ये आपको कॉलमनर ग्रेन्स है आपका, ये आपको कॉलमनर ग्रेन्स है आपका, है ना। यहां पे नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा बीच में, ये आपको डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर है, ये आपको कॉलमनर ग्रेन्स इसको बोलते हैं, ये आपको डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर है, आपको डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर में आपको बनेगा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ द एलॉय जो आपको यहां पर कूलिंग कर्व मैंने अभी प्योर मेटल का आपको दिखाया था, ये एलॉय के लिए आपको कूलिंग कर्व है, ये एलॉय के लिए आपको कूलिंग कर्व है और ये आपको पावरिंग टेम्परेचर है, वहां से आपको लिक्विड कूलिंग होता है और यहां पर आपको फ्रीजिंग स्टार्ट होता है और ये आपको देखिए ये कांस्टेंट लाइन नहीं है एलॉय में, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है देखिए, है ना, ये निकल कॉपर का कूलिंग कर्व है ड्यूरिंग द कास्टिंग, यहां फ्रीजिंग स्टार्ट होता है, यहां पे फ्रीजिंग कंप्लीट होता है, ये आपको टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है, टोटल सॉलिडिफिकेशन यहां पर आपको ये आपको फ्रीजिंग कंप्लीट हो जाता है और फ्रीजिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सारा मोल्टन मेटल आपको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको फ्रीजिंग जब कंप्लीट हो जाता है सारा मोल्टन मेटल आपको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आपको सॉलिड कूलिंग आपको होने लगता है, ये आपको सॉलिड कूलिंग आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना, ये आपको सॉलिड कूलिंग आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है।